दोस्तों कल हम लोग रात तक सोनप्रयाग तक आ गए थे और आज सुबह हमने स्टैंड में गाड़ी को पार्क कर दिया है और केदारनाथ के लिए हम लोग ने चढ़ाई चालू कर दिया है। आज काफ़ी भीड़ था जिसके कारण रास्ते में टैक्सी लेने के लिए काफ़ी भीड़ है। आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर के आसपास तक लाइन लगी हुई है जो सभी लोग टैक्सी के लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि सोनप्रयाग से आगे पर्सनल गाड़ी नहीं जाती है और जो भी लोग पर्सनल गाड़ी या बाइक से आते हैं वो सभी लोग अपना बाइक सोनप्रयाग में ही स्टैंड में खड़ा करना पड़ता है। और यहाँ से हमें गौरीकुंड के लिए 5 किलोमीटर का जो रास्ता है उसके लिए हमें टैक्सी लेना पड़ता है। आपको रास्ते में ऐसे भंडारा मिलते रहेंगे, अगर आपको कुछ खाने या चाय वगैरह पीने के लिए आपका व्यवस्था यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि जो टैक्सी सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाती है उसके लिए हमें 30 रुपये देने पड़ता है। और गौरीकुंड से हमें घोड़े वगैरह वहाँ से मिल जाते हैं और जिन भाई लोगों को पैदल चलना रहता है तो वो पैदल वहाँ से चले जाते हैं। गौरीकुंड तक ये टैक्सी आ पाएगी, अभी इसके आगे अभी हमको पैदल जाना पड़ेगा। अभी हम लोग गौरीकुंड उतर गए हैं और अब यहाँ से अब हम लोग का आगे का रास्ता जो है हम लोग पैदल ही तय करेंगे, जो कि केदारनाथ यहाँ से दिख रहा है कि अभी भी 16 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर और गौ चढ़ाने भाई। ये देखिए दोस्तों झरना, ऐसा झरना यहाँ पे बहुत है। एक गलती ये भी कर दिया था कि जब हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट किया था हम थर्मल पहनकर स्टार्ट कर दिया था ट्रैकिंग, जो कि उचित नहीं था क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंड लग रही थी। हमें लगा कि पूरे रास्ते और ठंड लगेगी, इसलिए हमने अपना थर्मल और शर्ट वगैरह पहन लिया था। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद काफ़ी गर्मी होने लगी और हमारे पास सामान काफ़ी ज़्यादा था। थोड़ी दूर चलने के बाद ही हमें एक भैरव बाबा का मंदिर भी मिला। बहुत बहुत हार्ड चढ़ाई है भाई, लगभग 5 किलोमीटर आ चुके हैं, लगभग अभी 12 से 15 किलोमीटर के आसपास और है। तो कोई बोल रहा था अभी 16 किलोमीटर है केदारनाथ, हालांकि दिखा रहा है यहाँ पे 11 किलोमीटर, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि 11 किलोमीटर से ज़्यादा है। मौसम भी अभी ख़राब होने वाला है, अभी हालत ख़राब हो रहा है 5 ही किलोमीटर में आगे जाकर देखते हैं। हालांकि फिर भी उतनी चढ़ाई नहीं थी, लेकिन चढ़ते समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी जिसके कारण कपड़ा वपड़ा निकालना पड़ा। और जब भी आप आओ तो थर्मल वगैरह मत पहनना जब चढ़ाई करो, तो नॉर्मल एक टी शर्ट डाल लेना। मेरे पास टी शर्ट नहीं था इसलिए मैं गंजी पे ही आ गया।
पर लोगों को एक बात बता देता हूँ कि आप जब भी यहाँ पे आओ आप एक अपने साथ बोतल रख लेना, क्योंकि रास्ते में आप बार बार बोतल खरीदोगे पानी का वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। आप जो ये छोटे छोटे झरने होते हैं आप यहीं से पानी उसको रिफिल कर लेना और पूरी रास्ता उसी का यूज करो, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। जो पानी है झरने का वो काफ़ी एकदम स्वच्छ है, पीने लायक है। तेरा मोबाइल मत को हालांकि ऊपर मौसम खराब हो रहा है वहां पर। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मौसम एकदम गरम गरम था, अभी बारिश हो गई है, अभी बारिश होने लगी है, अभी रेनकोट वगैरह नहीं लिए हम, मैं ज़्यादा नहीं लेना है, देखते हैं। करने में 3 घंटा है यहाँ पे, बारिश थोड़ी सारा लगी है। जैसे दोस्तों भी घूम जाएंगे, बारिश काफ़ी तेज हो गई है। रास्ते पर बारिश, जब भी आओ यहाँ पे तो एक रेनकोट लेके आओ भाई। दोस्तों अभी बारिश काफ़ी तेज हो गई है, इसलिए अभी हमने पूरा रेनकोट वगैरह सब जितना भी लिया था सब पहन लिया, बैग वगैरह भी ढक लिया है। जूता का प्रॉब्लम था तो जूतों को चमकीला लगा के ऊपर से टेप मार लिया। अभी थोड़ा सा हम सोच रहे कि लेट ज़्यादा ना हो, इसलिए हमने ज़्यादा वेट नहीं किया, हमने पहना उनका चल दिया। आप देख सकते हो जब भी आओ तो आप रेनकोट सूज को ओवर जरूर ले लेना, नहीं तो सूज भीन जाएगा। लग रहा है कि बाढ़ फिर से आ जाएगा, यहाँ पे लगभग बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इधर मौसम भी बहुत ख़राब है। रास्ता बहुत क्लीन है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी चारों तरफ लोगों को खराबी होती है। नदी का पानी भी थोड़ा बढ़ गया है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो गया, क्योंकि अभी पहाड़ में ऊपर बारिश हो रही है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है, बस कैसे भी करके पहुंच जाए वहां पर तो अच्छा है। अब देख सकते हो एकदम पूरा रेनकोट, दो दो रेनकोट पहन लिए हैं, इसके बावजूद भी अभी बारिश है कि कभी से हो ही जा रही है, बंद होने का भी नाम ही नहीं ले रहे, और भी मौसम ख़राब हो जा रहा है। हालांकि मैंने बताया था कि मौसम में कि अभी बारिश नहीं होगी आज, लेकिन तो आज भी बारिश एकदम, मौसम एकदम पूरा ख़राब है। ऊपर देखो एकदम पूरा मौसम एकदम चारों तरफ से बादल घेर लिया है, हम तो कुछ बादल से भी ऊपर हो चुके हैं कहीं नहीं तो। अभी एक छोटा सा ये पुल मिला है इसको पार करने के लिए, जब बाढ़ आई थी तो ये वाला पुल टूट गया था।
रहा है, अभी हिलने वाला हिल रहा है बहुत तेजी से। धुआं धुआं हो गया, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। अभी मैं और मेरा दोस्त अभी इधर लोग सारे लोग अभी आ ही रहे हैं। बादल एकदम पूरा एकदम छिका गया है यहाँ पे, एकदम घेर लिया है चारों तरफ से दोस्तों। अभी देख लो आप भी कितनी खतरनाक है यहाँ पे केदारनाथ की यात्रा करना। अभी अभी मौसम जब चढ़े थे तो बहुत ही गर्म था, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद मौसम एकदम वैसा से छेक लिया है। मेरे पीछे सब बादल नीचे आ गया है, देखते हैं अभी क्या होता है। हमको लगता था कि बहुत ही इजी रहेगा यहाँ पे आना, लेकिन सच में दोस्तों यहाँ पर आना बहुत ही कठिन है। बस नीचे देखना, देख रहे हैं बादलों में, बादलों से ऊपर हो, बादलों में खो गए, टकरा गए उनसे, हेलीकॉप्टर नहीं आएगा उसको तो देखेगा भी तेरे किधर लैंडिंग करूँ भाई खतरनाक एकदम बारिश हो रही है, जिला जिला दिख रहा है, लग रहा है पढ़ाई गाँव में। बर्फ पड़ा तो मजा आ गया, बर्फ पड़ा तो मजा आ गया। लगभग एक घंटे बारिश के बाद अभी थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है दोस्तों, और लगभग यहाँ से अभी भी 7 किलोमीटर का अभी और चढ़ाई है, और जो लास्ट वाला चढ़ाई है वो काफ़ी टफ है। जो 7 किलोमीटर पहले चढ़ाई था वो एकदम इजी चढ़ाई था, लेकिन अभी जो आगे की चढ़ाई है वो काफ़ी है। वहाँ पर आप देख सकते हो आगे भी वहाँ तक ऊपर जाते हैं, और सामने देखो वहाँ पे बर्फ सब है पहाड़ों पे, बहुत ही अच्छा है। तो अभी थोड़ा साफ हो गया है तो दिक्कत नहीं है, पर ठंड बढ़ गई थोड़ी, क्योंकि ऊँचाई पर और आगे हैं तो जाहिर बात सी बात है कि ठंड थोड़ी बढ़ जाएगी। बाकी अभी मौसम एकदम पूरा साफ हो गया है, और जब हमारे पीछे एकदम मौसम कोई भी बादल नहीं है, एकदम साफ हो गया है, हालत एकदम ख़राब है। अभी भी यहाँ से 2-3 किलोमीटर अभी और है, शायद धाम पर पहुँचते पहुँचते रात हो जाए। बाहर पीछे वो पहाड़ दिख रहा है, अभी ठंड काफ़ी बढ़ गई है, बारिश हो गई थी जिसके कारण और भी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि 3 किलोमीटर और है कैसे चला जाए, हालांकि हालत तो पैर थोड़ा जवाब दे रहा है, और फिर भी देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो और अभी हम लोग का तो रूम भी अभी उतना बुक नहीं है, तो शायद अभी और दिक्कत हो सकता है, देखते हैं अभी पहले रूम बुक करते हैं रहने के लिए, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है पीछे। दोस्तों हमें मंदिर तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, लगभग 7-8 बज गया था, और हमने रहने का कोई बुकिंग नहीं कराया था, और भीड़ काफ़ी थी इसलिए हमें रहने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिल पा रहा था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमको एक टेंट मिला, तो हमने वहीं पर अपनी रात बिताए। रात में काफ़ी ठंड थी और बारिश के कारण टेंट में थोड़ा सा सोना उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि नीचे की ज़मीन और सब बेड वगैरह भींगे थे। और हमने अपना एक कंबल लिया था इसलिए हम थोड़ा बच गए, नहीं तो रात में ही ठिठुरने लगते हैं। फिर हमने अगली सुबह और लगभग 6-7 बजे के आसपास दर्शन के लिए अपना गए, क्योंकि सुबह भी काफ़ी ठंड थी और हवा भी काफ़ी चल रही थी, इसलिए मुश्किल था निकलना या मतलब बाहर निकलना। फिर हमने दर्शन के लिए चल दिए थे। अब यहाँ से लगभग 300-400 मीटर पर मंदिर है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी यहाँ पे आओ तो आप पहले से बुकिंग कर लो, और एक GNVM का एक साइट है
वो लोग प्री बुकिंग करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा नेट नहीं चलता, तो आप बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है बुकिंग करने का, लेकिन अगर आप GNVM की वेबसाइट से आप यहाँ पर बुकिंग कर लेते हो तो आपका रूम अवेलेबल रहेगा, आप रात में कभी भी आओ कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग दर्शन के लिए कोरोना जैसे ही ख़त्म हुआ था उससे कुछ दिनों के बाद ही आ गए थे, इसलिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ आ गए थे, जिसके कारण हमें अभी पता चला कि रास्ते में क्यों दिक्कत आ रही थी और रूम क्यों इतना कम थे, और जो भी रूम थे वो काफ़ी महंगे मिल रहे थे।